वेलकम बैक। आज वो कैब आपने काफ़ी अच्छा सराहा है, तो मैं वो कैब का आपसे इंस्पायर्ड होकर के, चूँकि आपने काफ़ी डिमांड किया है, तो उसी वो कैब का मैं पार्ट टू दे रहा हूँ, ताकि आप खूब बढ़िया से वो कैब याद कर सको और खूब बेहतर कर सको। तो वो कैब पार्ट टू, हमने सेम किताब लिया है, बेसिक और एडवांस वो कैब, और सेम किताब से लेसन टू आपको कहानी सुना करके मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ, ताकि आप स्पीकिंग करो, राइटिंग करो, कुछ भी करो और वो कैब समय पर आ जाए। बिना वो कैब का अंग्रेजी जीरो है बेटा, और मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में हर एक बच्चे को वो कैब आना चाहिए, क्योंकि विदाउट वोकैबुलरी नो इंग्लिश। तो वो कैब के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा देना, कष्ट देना। एक लड़का था, दिल्ली आया, नौकरी नहीं लग रहा था उसको, उसके मन में क्या था? एफ्लिक्शन था, एफ्लिक्ट था, पीड़ा था, दुख था, दर्द था, कष्ट में था। जब नौकरी तक कष्ट होता ही होता है, तो उसने क्या किया कि वो नौकरी कन्फर्म करना चाहता था। नौकरी कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब पक्का करना, वो नौकरी कन्फर्म करना चाहता था, पक्का करना चाहता था कि हमको कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। इसलिए अपने पापा से कन्फर्म लेने गया, आज्ञा लेने गया कि पापा मुझे नौकरी कन्फर्म करने की, कन्फर्म कर दो, आज्ञा दे दो। कन्फर्म, पक्का करना, कन्फर्म, CONFORM, आज्ञा लेना। वो कन्फर्म करने गया, पिताजी ने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए सरकारी, तो बेटा ने कहा कि नहीं लग रहा, कम से कम प्राइवेट तो कन्फर्म हो जाए। उसने कहा ठीक है, काम करो, इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ। हॉरिजॉन्टल का मतलब समतल, यानी हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ। इम्प्लाई का मतलब सूचित कर देता हूँ, तुम रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ। इम्प्लाई का मतलब सूचित कर देता हूँ, तो इम्प्लाई कर दिया, सूचित कर दिया, इम्प्लाई कर देता हूँ। अब घटना ये घटता है बेटा कि जब नेगेटिव होता है व्यक्ति के पास, तो घटनाएं नेगेटिव और भी आती रहती हैं। जैसे ही देखा कि इसका नल्ला पुत्र जा रहा है, बेरोजगार है, वहाँ उस मित्र के यहाँ जहाँ फ़ोन किया उसके बाप ने, वहाँ जैसे पहुँचता है उसके यहाँ डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, विपत्ति आन पड़ती है। अब उसके मित्र को लगता है कि इसका बेटा बेरोजगार था, जरूर डकैती उसी ने करवाया होगा। अब घटनाएं घटी कि जितना भी दोस्त था, जितना भी प्रॉब्लम था, सारा आरोप उस लड़के पर इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज का मतलब थोप देना, सारा आरोप इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज मतलब थोप देना, सारा आरोप थोप दिया गया कि तूने ही चुराया है, तूने ही गलती किया है। अब इम्पोज कर दिया, पुलिस ने उसे क्या कर दिया, इम्पोज कर, पुलिस ने इन्फ्लिक्ट दे दिया। इन्फ्लिक्ट का मतलब दंड देना, पुलिस ने क्या किया, इन्फ्लिक्ट दे दिया, दंड दे दिया। अब पुलिस इन्फ्लिक्ट, अब गया था नौकरी करने, पहुंच गया जेल में, उसका माइंड बड़ा इंट्रिकेटेड हो गया। इंट्रिकेट का मतलब उलझ गया, उसका माइंड इंट्रिकेट हो गया, उसका दिमाग उलझ गया। गया था नौकरी करने, पहुंच गया जेल, अब भारी समस्या पड़ गया, तो इंट्रिकेटेड माइंड हो गया। उसने लाइफ में सोचा कि सब काम करूंगा, अब कभी मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं अपने खेत में इरिगेट करूंगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, इरिगेट का मतलब सिंचाई करना, सींचना, सिंचाई करने को इरिगेट कहते हैं। धीरे धीरे टाइम लैप्स होता गया, जेल में था ना, टाइम लैप्स होता गया, समय गुजरता गया, समय बीतता गया, लैप्स, पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतता गया, लैप्स होता गया, और जेल से रिहा हो गया वो लड़का। जब जेल से रिहा हो गया, कहानी को बड़े प्रेम से सुनिए, सब याद होगा। वो कैब, मैं प्रॉमिस करता हूं पूरा वो कैब तुम्हें याद करवा दूंगा। धीरे धीरे टाइम लैप्स होता गया, समय बीतता गया, तो उसने जब जेल से रिहाई हुई, साल, दो साल, चार साल बाद, तो हाथ में फावड़ा लिया और फावड़ा चलाया। फावड़ा लेके चलाया तो जैसे एक बड़े से पत्थर से टकराया। वो पत्थर जब बाहर निकाला तो बड़ा ही ल्यूमिनियस पत्थर था। कैसा था बेटा? ल्यूमिनियस पत्थर, चमकीला पत्थर, ल्यूमिनियस पत्थर निकाला, बिल्कुल पत्थर में चमक था, चमकीला पत्थर था। अब ल्यूमिनियस पत्थर बाहर निकाला तो पत्थर बड़ा डायमंड था, इतना बड़ा डायमंड मिला उसको, पूरा डायमंड मिल गया। अब वो जब ल्यूमिनियस पत्थर था, अब आसपास के जो लोग थे, आसपास के लोग, वो बड़ा ही क्या हो गए, मैलिस हो गए। मैलिस का मतलब
मैलिस हो गया, मीन्स मतलब बिल्कुल ही दिमाग से भंग हो गया। मैलिस मतलब द्वेष हो जाना, मैलिस मतलब जलन रखना, ईर्ष रखना, लोग मैलिस हो गए। अब क्या हुआ, लोगों ने सोचा क्या मार्शल सामान, युद्ध संबंधी सामान खरीद करके इसको मैं डिफीट कर दूंगा। तो लोगों ने युद्ध संबंधी मार्शल सामान खरीदा, कोई चाकू ले रहा है, कोई कुछ पिस्टल खरीद रहा है सामान लूटने के लिए। तो मार्शल मतलब लड़ाकू, इसमें सामान खरीदना शुरू कर दिया। और लोगों ने मिसलेनियस प्रकार के, मिसलेनियस मतलब मिला हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के सामान खरीदने शुरू कर दिए। अब उस लड़के का डिमांड ओवरवेलमिंग हो गया, ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा डिमांड फैल गया उसका, ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया, बहुत ज्यादा डिमांड हो गया। अब एक दिन का फेनोमेनन यह था, घटना यह था कि उसने प्रेजुडाइस किया, उसने अनुमान लगाया। प्रेजुडाइस कहते हैं पूर्वाग्रह को, पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि उसके मन में पूर्वाग्रह भेदभाव ग्रसित हो गया कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। उसने एक सप्लीमेंट निकाला, सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने के लिए अनुमान। उसने सप्लीमेंट किया, अनुमान लगाया कि मैं क्यों ना सबको वर्टिकल खड़ा कर दूं। वर्टिकल का मतलब लंब, वर्टिकल खड़ा कर दूं और कोड़े से पिटवा दूं, तब ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे। ऐसा उसका सरमाइज था, ऐसा उसका अनुमान था। तो सरमाइज के मतलब अनुमान लगाना, और ये हो गए आपके 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स हो गए आपको याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो ना, तो आप DS इंग्लिश पे जाओ, www.dsenglish.com, आपको ये वोकैब याद हो जाएगा। और मैं धर्मेंद्र सर, आप शिकायत करते हो कि वीडियो नहीं मिलता, तो आप लाइक करो और बेल आइकन दबाओ, तब ना वीडियो मिलेगा। और उसके साथ साथ शेयर कीजिए, पूरे भारत में वीडियो फैल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।